नमस्कार, मैं हूँ मनोज फेनिन। अभी यार देखो, वैसे भी कोरोना चल ही रहा है, इतने में सलमान भाई की नई मूवी राधे का ट्रेलर आ गया। अब आ गया तो आ गया, अब हम करेंगे इस पे बातचीत। शहर में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है। We have to get this stop. अब बॉलीवुड वालों यार, तुम सुधरोगे कि नहीं? नहीं नहीं यार, सीरियसली बेंचो, एक ही डर्रे पे आप स्टोरी क्रिएट करते हो सभी मूवीज की। पहले ड्रग्स होती है, क्राइम होता है, उसके बाद एक लाया जाता है हीरो को उस क्राइम को समाप्त करने के लिए पुलिस ऑफिसर के रूप में। और इसी फिल्म में हीरो पुलिस ऑफिसर के रूप में है हमारे सलमान भाई। 97 एनकाउंटर्स, उसका काम करने का अपना तरीका है। मैं इसमें आज रणदीप हुड्डा की बात ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि उसको ट्रेलर में मुश्किल से इस मूवी में सिर्फ ट्रेलर में 5 सेकंड के लिए दिखाया गया, क्योंकि अगर उसको ज्यादा दिखा दिया जाता तो वो अच्छी खासी एक्टिंग कर लेता है, और उसको ज़्यादा दिखा दिया जाएगा इसमें तो सलमान भाई से ज़्यादा उसको नंबर मिल जाएंगे इस ट्रेलर में, और ये वो चाहते नहीं बिल्कुल भी। अबे सलमान का तो वैसे भी दिख रहा है इसमें एक्टिंग का। अभी तो सिर्फ 3 इंच घुसाया है, अगर अब कोई आगे बढ़ा तो उसके ब्लैडर की जगह फेफड़ा होगा और लिवर की जगह किडनी। अब वो तो हम सबको पता ही है कि बॉलीवुड वालों के पास के डायलॉग तो बिल्कुल भी है नहीं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बिल्कुल भी पब्लिक को ऐसे बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ भी उपटांग इस मूवी में डाल दोगे यार, घुसा दोगे इस मूवी में। अब ये एक और डायलॉग देखो भाई। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। नहीं यार, मतलब कुछ भी यार, हद होती है। अपनी पुरानी मूवी का उठा के वही डायलॉग सेम टू सेम दोबारा चिपका दिया इस मूवी में। वाह यार, अब बात करते हैं भाई की कॉमेडी की। वैसे आपका नाम क्या है? दिया। किसने रखा? मेरे भैया ने। जब कभी मेरी बहन होगी तो मैं उसका नाम नादिया रखूंगा। सलमान भाई के लिए तालियां। नहीं यार, तुम एकदम वैसे मन बना ही चुके हो कि यार सलमान भाई कि अक्षय कुमार, कपिल शर्मा और रितेश देशमुख को घर बिठाना ही है। नहीं आप ये बता दो भाई, कोई कॉमेडी के नाम पे आपको कोई ऐसी पुरानी कोई दुश्मनी है क्या जो आप ये फ्रस्ट्रेशन लेके घूम रहे हो यहाँ पे इस मूवी में निकाल रहे हो? अब देखो यार, वैसे भी कोरोना और लॉकडाउन चल रहा है, ऊपर से ये सलमान भाई की कॉमेडी। मैं बता दे रहा हूँ सलमान भाई, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं, ये लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए तो एकदम भी ठीक नहीं। पुलिस की नौकरी है, गिरफ्तार तो करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगा कि पुलिस तो लुका छुपी खेलती है। ओ, अभी पता चला कि पुलिस तो गिरफ्तार करती है, इससे पहले तो पता ही नहीं था। यार आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे फिर कभी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।